हेलो, आज हम देखेंगे DDA सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम सी प्लस प्लस में। अभी इधर मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करके रखी है, ग्राफिक्स डॉट एच, आईओ स्ट्रीम और मैथ डॉट एच। देन यूजिंग नेम स्पेस STD अपने वेरिएबल्स को स्कोप देने के लिए। फिर इधर एक फंक्शन बनाया है void DDA सर्कल, जिसको मैं एज पैरामीटर्स कुछ इनपुट लेके पास कर रही हूँ मेन में से। मेन में अपना ग्राफिक्स ड्राइव को इनिशियलाइज किया, देन मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ सर्कल का रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, एंड देन मैं ये उस फंक्शन को पास कर रही हूँ। एंड देन अपना इनिट ग्राफ, और इधर इनिट ग्राफ के बाद मुझे ये कॉल करना चाहिए, एंड देन अपना क्लोज ग्राफ नॉर्मल। अब इधर मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, इसलिए मुझे और वेरिएबल्स लगेंगे। int x c1। अपनी नोटबुक लेके बैठो, फिर तुम्हें एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन समझेगा। सो xc1 इनिशियली क्या रहेगा? r। देन yc1 इनिशियली रहेगा 0। देन और एक पैरामीटर लेते हैं sx, जो इनिशियली रहेगा xc1, और sy जो रहेगा yc1। देन हमें एक एप्सिलॉन ढूंढने का है। एप्सिलॉन ढूंढने के लिए ये लॉजिक रहता है कि हमें एक n नंबर ढूंढने का है, सच दैट 2 raised to n-1 विल बी लेस देन और इक्वल टू रेडियस विच विल बी लेस देन 2 raised to n। तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक सिंपल लॉजिक लगाना पड़ेगा। हम एक इंटीजर लेते हैं एन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रखते हैं, उसको इनिशियली हम 1 कर देते हैं और एन को 0 रखेंगे। मतलब इसका मीनिंग है कि 0 पावर पे 2 raised to 0 1 रहेगा। देन हम एक लूप लगाएंगे, वाइल मल्टीप्लीकेशन इज लेस देन आर, हम करेंगे एन को += 1 या फिर एन प्लस प्लस, और मल्टीप्लीकेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मतलब बाय द टाइम ये कंडीशन फॉल्स होती है, मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन आर हो जाता है, तब तक हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। देन उससे हम एप्सिलॉन कैलकुलेट करेंगे, जो एक फ्लोट वैल्यू रहेगी, क्योंकि 2 raised to the power -n रहता है एप्सिलॉन। सो फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू पावर ऑफ 2, -n। इससे हमें एप्सिलॉन की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें एक डू वाइल लूप लगाने का है। डू में हमें और फ्लोट वैल्यूज लेने की है, फ्लोट xc2 और yc2। अब हम इन्हें हर एक इटरेशन में रीइनिशियलाइज करेंगे। सो xc2 इज इक्वल टू xc1 प्लस एप्सिलॉन इंटू yc1, एंड अपना yc2 विल बी yc1 माइनस एप्सिलॉन इंटू xc2 एज पर द एल्गोरिथम। देन हमें ये चीज़ प्लॉट करने की है, ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने के हैं, मतलब पुट पिक्सेल यूज़ करना पड़ेगा। पुट पिक्सेल xc+xc2, yc-yc2, white। देन हमें xc1 को भी रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा, सो इसको हमें फ्लोट ही लेना पड़ेगा। सो xc1 इज इक्वल टू xc2 एंड yc1 इज इक्वल टू yc2।
एंड वाइल में हम कंडीशन लगाएंगे वाइल y c 1 minus s 5 is less than epsilon or x c 1 sorry s x minus x c 1 is greater than epsilon मतलब same condition इधर सी इन करके हम ये function call करके देखते हैं C++ name.cpp hyphen l graph /a.out radius 20 200 200 अपना सर्कल बन गया. अभी इसमें बहुत सारे फ्लोट टाइप कैलकुलेशंस थे सो ये बहुत स्लो चलता है सो इसके ऑल्टरनेटिव्स हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम मिड पॉइंट और प्रेजेंटहैम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम. Till then, keep practicing and thank you for watching this video.